कुछ लोग उठेंगे शक्ले खिंजीर में, शक्ले सुअर में। अल्लाह के हबीब की आंखों से आंसू जारी। अभी तो वक्त है, हम सब के पास वक्त है, अभी फैसला हमारे हाथ में है, अभी हम कब्र में गए नहीं हैं, उठेंगे जब जब कब्र में जाएंगे, तो अभी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अभी तौबा कर सकते हैं, अभी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, सुअर की शक्ल में। अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक अजीब सी बात है, हमारे यहाँ बाज़ पुराने अफराद में, ख़ासतौर से ख़वातीन, बूढ़ी ख़वातीन में बात मशहूर है कि आपने सुअर का नाम लिया तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, इस हद तक डराते थे बुज़ुर्ग हमें। शायद आपको याद हो कि अगर पलंग पे नमाज पढ़ोगे तो बन जाओगे बंदर, याद है जुमला, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पता नहीं क्या उनके जहन में रहा होगा, पलंग पे नमाज पढ़ना बंदर बन जाओगे, और अगर सुअर का नाम लिया तो दुआ कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होगी। तो हो सकता है हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ सिखाना चाहा हो कि देखो नमाज के आदाब ये हैं। मैं बहुत तलाश करता रहा कि पलंग पे नमाज पढ़ने प्रॉब्लम क्या आती है, खूब वाजिब नमाज का मौजू अलग, मुस्तहब का मौजू अलग। वाजिब नमाज आम हालत में नहीं पढ़ी जा सकती इस तरह से, जो हालत है मजबूरी का मसला है, और पलंग पे नमाज पढ़ने में अगर मुस्तहब नमाज आप पूरी पढ़ रहे तो एक ही मसला आता है कि आपने सजदा किया पलंग पर, पलंग गया नीचे, लगे हुए स्प्रिंग है या पुराने जमाने का पलंग बानों से बुना हुआ, और नीचे हो गया, सर उठाया फिर वापिस बोर हो गया, हो सकता है ये मसला। खैर, ये बात याद रखें कि यहां कोई कुछ भी कहे वो और बात है, कयामत में खुदा बंदर बना के ना उठाए, इससे बचिए, कयामत में खुदा शक्ले खंजीर में ना उठाए। वो कौन लोग होंगे जो शक्ले खंजीर में उठेंगे, का कम तोलने वाले। बहुत गौर कीजिएगा, बड़ा आसान लगता है, पैसे कमाना मुश्किल थोड़ी हुई, यानी आप पैसे पूरे लें और सामान कम दें, माले हराम कमाना, रिश्वत कमाना, इससे पहले इशारा हो चुका कि पैसे में कहां लिखा कि हराम है, अब तो नाम बदल दिया, अब नाम बदल के इसको हदिया कहते हैं, इसको बख्शिश कहते हैं, इसको कोई और नाम दे दीजिए, गिफ्ट कह लीजिए, मिठाई के पैसे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, याद रखिए कि अल्फाज बदलने से कोई हैयत शरीयत नहीं बदलेगी। हराम में मोहम्मद हराम रहेगा और हलाल मोहम्मद हलाल रहेगा, आपको मुझे हजम हो या न हो। कि हमारे और आपके हाजमे को देख के न हलाल बनाया गया न हराम बनाया गया। तो कयामत में जब सूर फूंका जाएगा तो लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, इतनी तेज आवाज होगी कि जैसे कोई अलार्म बजता है। बल्कि मिसाल आपकी खिदमत में, हसनू अलकारिया तो मलकारिया, कयामत का एक नाम अलकारिया भी है। अलकारिया क्या मतलब? कर अतुल बाब, दरवाजे को नॉक करना। अलकारिया मतलब खड़खड़ाने वाली आवाज, चुभने वाली आवाज, और जब आवाज की फ्रिक्वेंसी बढ़ाइएगा तो आदमी सोते से उठ के बैठ जाएगा, इतनी तेज आवाज, तो कब्र से उठेंगे और उठेंगे तो शक्ले बंदर में बास, और उठेंगे बास शक्ले सुअर में, हराम खाने वाले।
मेहदी से मिला दे।